नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्यूटर अपर्णा आचार्य एंड यू आर वाचिंग फन इंग्लिश क्लास। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी। इसीलिए आज के एपिसोड में हम करेंगे बहुत सारा फन और थोड़ी सी लर्निंग भी। कैसे? आज हम डिस्कस करेंगे मूवीज। जी हाँ, मूवीज तो हम सबको बहुत पसंद होगी एंड आई एम श्योर आप में से सभी लोग मूवीज देखते होंगे। बट कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम इंग्लिश मूवीज देखने तो चले जाते हैं और हमें उसका नाम भी पता होता है, मूवी समझ भी आ जाती है, बट मूवी का टाइटल क्या है ये इसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। क्या आपके साथ ऐसा होता है? इसीलिए आज के एपिसोड में हम ऐसे ही 10 बहुत ही कॉमन मूवीज के नेम्स लेंगे और उनके मीनिंग, एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मूवी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हम सभी की बहुत फेवरेट मूवी और सुपर हीरो मूवी है, आई एम श्योर हम सभी ने देखी है, दैट इज अवेंजर्स। अवेंजर्स Avengers देखी है? I'm sure आपने देखी है। But क्या आपने कभी सोचा है कि Avengers का मतलब क्या है? Avengers का मतलब होता है बदला लेने वाले, जो लोग बदला लेते हैं। तो I'm sure अब आप next time जब ये movie देखेंगे तो और better तरीके से समझ पाएंगे। तो अब जो next movie हम discuss करेंगे वो तो बहुत ही favorite movie है हम सबकी। Batman तो आप सभी को बहुत पसंद होगा। तो Batman की कौन सी movie बहुत famous है? The Dark Knight। क्या आपको पता है नाइट का मतलब क्या है? आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा नाइट मतलब रात, बट नहीं, इस नाइट का मतलब डिफरेंट है, KNIGHT। इस नाइट का मतलब होता है ऐसा कोई हु इज ट्रेन्ड टू फाइट, जो फाइट करने के लिए ट्रेन्ड हो और जनरली एक मेटल आर्मर पहनता हो। तो क्या आपको अब समझ आया डार्क नाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? नेक्स्ट मूवी इज अनदर सुपर हीरो मूवी, दैट इज द इनक्रेडिबल्स। तो इनक्रेडिबल मतलब तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग, बट डेस्पिकेबल का क्या मतलब है? क्या आपने इस मूवी का नाम सुना है डेस्पिकेबल मी? डेस्पिकेबल का मतलब होता है ईविल। नेक्स्ट मूवी पे चलते हैं। नेक्स्ट मूवी कौन सी? इंटरस्टेलर। क्या आपने इंटरस्टेलर देखी है? ये मूवी तो बहुत ही फेमस थी, बट इंटरस्टेलर का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेलर का मतलब होता है जो चीज स्टार्स के बीच में चल रही हो, एनी अकरेंस बिटवीन द स्टार्स, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर का प्लॉट भी कुछ ऐसा ही था कि कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, वहां मैनकाइंड के लिए कुछ घर खोजने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको जरूर समझ आया होगा कि इस मूवी का नाम इंटरस्टेलर क्यों पड़ा। ओके, नेक्स्ट मूवी पे चलते हैं, दैट इज इंसेप्शन। इंसेप्शन का क्या मतलब है? इंसेप्शन का मतलब है कुछ एस्टैब्लिश करना, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने को इंसेप्शन बोलते हैं। अब एक और मूवी पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिक्स्थ सेंस। ये एक हॉरर जॉनर की मूवी थी और ये काफी अच्छी मूवी थी, मेरी तो काफी फेवरेट है। आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं, बट जरूर देखिए द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या है? हमारे पास तो 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम 5 चीजें सेंस कर सकते हैं, जैसे कि आईज, नोज, स्किन, टंग, ईयर्स। बट सिक्स्थ सेंस क्या होता है? सिक्स्थ सेंस होता है जो हमें अंदर से लगता है कि क्या पता कल कुछ होगा, मतलब समथिंग इंट्यूशन रिलेटेड। तो सिक्स्थ सेंस होता है कि क्या इंट्यूशन हमें हो रही है, ठीक है? तो सिक्स्थ सेंस का मतलब ये थी। तो ये एक हॉरर मूवी थी। नेक्स्ट मूवी पे चलते हैं। नेक्स्ट मूवी हम ले सकते हैं जो मेरी तो बहुत ही फेवरेट मूवी है, दैट इज कॉल्ड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपको पता है परस्यूट का मतलब क्या है? परस्यू करना मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश करना। और इस मूवी में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में एक आदमी हैप्पीनेस को खोजने की कोशिश करता है और ये बहुत ही प्यारी मूवी है, एक फैमिली मूवी है जो आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं।
इसी के साथ हम आ गए एंड ऑफ दिस वीडियो में। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ चार पांच ऐसी मूवीज जिनका मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट, रैटाटुई। रैटाटुई की स्पेलिंग क्या होती है और रैटाटुई का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही फेमस मूवी थी रैट के ऊपर, तो आप जरूर इसका मीनिंग मुझे बताइए। सेकेंड, डिक्टेटर। डिक्टेटर आपने देखी है? डिक्टेटर बहुत ही फनी मूवी है, आप इसका मीनिंग भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट मूवी इज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। पायरेट्स का क्या मतलब होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से इन तीनों मूवीज के मीनिंग्स कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए और मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने सही आंसर दिया या नहीं। और अगर आपके पास ऐसी और मूवीज है जिनका मीनिंग आप जानना चाहेंगे तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं ट्राई करूंगी उन मूवीज के भी मीनिंग्स आपको बताने की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फन इंग्लिश क्लास एंड टेक केयर।